अगस्त महीने में चीनी बिक्री कोटा की घोषणा के बाद घरेलू चीनी की कीमतें 80 से 100 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ गई हैं। चीनी कीमतों में सुधार पवित्र हिंदू महीने सावन की शुरुआत और रक्षाबंधन, तीज, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी जैसे आगामी त्योहारों के चलते हुआ। आज 2 अगस्त 2022 को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने जुलाई महीने के चीनी बिक्री कोटे के लिए 30 दिनों के विस्तार की घोषणा की है और बाजार के जानकारों के मुताबिक इस फैसले से चीनी की कीमतों में 30 से 40 रुपए का करेक्शन देखने को मिलेगा। हालांकि आने वाले महीनों में फेस्टिव डिमांड को ध्यान में रखते हुए कीमतों में रिकवरी देखने को मिल सकती है। वहीं नेशनल कोऑपरेटिव सुगर फैक्ट्रीज फेडरेशन के प्रबंधन निदेशक ने कहा कि हमने महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के कारण फिजिकल लिफ्टिंग में आ रही बाधाओं के कारण जुलाई महीने के मासिक बिक्री कोटा के लिए 15 दिनों के विस्तार के लिए सरकार से अनुरोध किया था। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की ओर से तुरंत ये कदम उठाया गया है। चीनी की कीमतें जो 100 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ गई हैं वह भी सही हो जाएंगी और कुल मिलाकर बाजार सही दिशा में बढ़ रहा है। वहीं महाराष्ट्र के एक निजी मिलर ने बताया कि पिछले 2 दिनों में चीनी की कीमतों में तेज वृद्धि एक स्थायी चरण में था और साथ ही उन्होंने कहा बाजार में कुछ समय में न्यूनतम 50 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।